बचपन में ना मेरे सारे दोस्त डोरीमोन देखे करते, पर तेरे भाई ने कदे भी नहीं देखा, कदे इंटरेस्ट ही ना आया। अरे तू पागल हो गया क्या? तेरे तो अब तूने इतना कुछ बोल ही दिया है तो दिखा दे चमत्कार। मुझे अब भी बोल रही हूँ, गुड़गांव शहर चला जा बड़े भाई के पास, जाकर वहाँ नौकरी करेगा, दो पैसे कमाएगा, कम से कम घर का कर्जा तो उतरेगा। अपनी तो औलाद ने संभाल ले, तेरा आदमी तो पहले ही मरेगा या औलाद भी चली गई, इसके सारे जीवेगी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या देख रहे थे वहां मुंह खोलकर? कोई पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही थी वहां पर? दीपक यार, तेरा भाई तो मोटे नोट कूट रहा है शहर में, इतना बड़ा घर। हाँ तो नौकरी वाला आदमी है, हमारी तरह बेरोजगार थोड़ी ना है। तू गेट बंद कर। कुछ सुन भी रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या हुआ, क्यों पीछे पड़ गए इनके आते ही? कम से कम इनको बैठने तो दो। भाभी जी नमस्ते। बस बस भैया, बस बस बस, आप लोग बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। एक झापड़ में दांत बाहर आ जाएंगे, आराम से बैठ जाओ। भाई वहां गलती हमारी नहीं थी, हमें तो समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। ऐसे तो हमने फिल्मों में ही देखा है, ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी कौन करता है? ये तो ठंडा पड़ गया था बिल्कुल। ज्यादा ना नेता बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहना है ना तो अपने काम से काम रखना सीख लो। पर यहाँ कोई गाँव की पंचायत नहीं है जो फैसला कराती फिरेगी। अरे पंचायत ना सही, पुलिस तो होगी, कम से कम पुलिस का डर तो होना चाहिए। डर है पुलिस का भी और गुंडों का भी, और तुझे पता भी है कौन है वो। अपना काम करो, दो पैसे कमाओ, घर भेजो और शांति से रहो। यहाँ रहना है ना, आंख मुंह कान सब बंद करके रहो। ऐसा कौन था भाई वो? भगवान ना करे कभी तुझे उसे जानने की जरूरत भी पड़े, इतना बुरा वक्त कभी ना आए। बस तुझे कह दिया। और हाँ, मंत्री जी से मैंने तेरी नौकरी की बात कर ली है, कल मिलवा दूंगा। बहुत ही भले इंसान है, तेरा दिल खुश हो जाएगा उनसे मिलकर। ऐसा भी क्या है भाई उनमें जो तू उनकी तारीफ करते नहीं रुकता कभी? मोटा पैसा दे रहे हैं क्या? बस इतनी बुद्धि हो सकती है तुझमें जो भगवान जैसे आदमी को पैसे से तोड़ रहा है? एक काम कर, पहले अपना होलिया ठीक कर, किसी चोर डाकू के खानदान से लगा है। और ये कालू, ये तो दिखना ही बंद हो चुका है, इतना मैला हो रखा है, और इसे क्या करने लाया तू यहाँ? मैं तो अकेले ही आया था भाई, ये तो मेरे पीछे पीछे आ गया भाग के। अब आपको इसके लिए भी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, वैसे कूड़ा कचरा उठाने में तो मास्टर है ये। ये लो पहले पानी पियो और अपना सारा सामान अंदर वाले कमरे में रख के रेस्ट करो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, बातें बातें बाद में करेंगे। ठीक है भाभी, चल कालू। अरे चल भाई, तू कहाँ खो गया? भाई दीपक, आज कम से कम 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। 1,00,000 रुपए? वो कैसे? भाई वो आदमी तो मर ही गया था, उस साले की बाइक उठा के ले आते, कम से कम 1,00,000 रुपए की तो बिकी जाती। वाह बेटा वाह, और उसके बाद जो पुलिस तुझे उठा के लेके जाती और वो खून का इल्जाम भी तेरे ऊपर आ जाता, वो कुछ नहीं? देख भाई कालू, गांव नहीं है ये, भाई की इज्जत का थोड़ा ध्यान रख ले, इज्जत मत डुबवा दियो उनकी। नहीं भाई नहीं, तेरे साथ मेहनत करने आया हूँ, तो चिंता मत कर। चलो अंदर चलते हैं, भाभी यहीं देख रही है, मुझे लगता है खाना तभी देगी शायद। चल फिर बाल वाल भी कटवाएंगे। ओए कालू, तेरा दिमाग खराब है क्या? यहाँ फेशियल करवाने की क्या जरूरत थी? कम से कम उससे पहले पूछ तो लेता कि कितने पैसे लगेंगे, अच्छा लगता है ऐसे? भाई यार तुझे पता तो है मेरे चेहरे पे निखार ही जब आओ जब मैं फेशियल करवा लूं, हर 15 साल में एक बार करवाया करूं, आज दूसरा ही तो था। और मुझे क्या पता था ये इतने से काम के 600 रुपए ले लेंगे, अपने काम का मुनिया तो इतना से काम फ्री में कर दे। वह गाँव वाला मुनिया, ये गाँव का मुनिया पेड़ के नीचे बैठ के काटता है, इनके साथ तो एसी लग रहे थे। तो भाई मेरी गलती है, एसी बंद कर देने चाहिए इन्हें। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है दीपक, ये शहर है, यहाँ 1,500 खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बात नहीं है भाई, अगर हम खुद कमा रहे होते तो उड़ाना भी अच्छा लगता, तू पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, और कितना लूटेंगे तुझे, इतना तो किसी के माँ बाप भी नहीं करते उनके लिए। आज तू इतना इमोशनल कैसे हो रहा है? बस भाई अब वक्त आ गया है कि मैं भी तेरे लिए कुछ करूँ, इसलिए मैंने अड्डा 24/7 का कोर्स ले लिया है। ये क्या है? इस पे 500 से ज्यादा सरकारी नौकरियों की तैयारियां करवाते हैं, और कोर्स भी मेरे बजट में था, सैलरी से निकाल लूंगा, रोज लाइव क्लासे मिलेंगी और हर हफ्ते परीक्षा और टिप्पणियां भी। ये ऑनलाइन पढ़ना ठीक है अगर तुझे कुछ समझ नहीं आया तो? ये सही है भाई, मास्टर तो सिर्फ कुछ घंटे ही मिलता है, यहाँ तुम 24 घंटे कुछ भी पूछ सकते हो, डाउट रूम कहते हैं इसे। अच्छा,
और यहाँ पे मुफ्त में भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है। और तो और सब कुछ है इस ऐप पे, नई नौकरियों की जानकारी, तैयारी करने के तरीके और अड्डा 24/7 के जो मास्टर हैं उनका पूरा सपोर्ट। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने बैंक, SSC, टीचिंग, डिफेंस जैसे एग्जाम्स में बहुत सारे चयन करवाए हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं। सही है, फिर तू भी कर ले। हाँ, अब लग रहा है कि सरकारी नौकरी लगी जाएगी, तब तक जो भी नौकरी मिलेगी उससे काम चला लूंगा, फिर माँ को भी यहीं ले आएंगे। ठीक है बेटे, चल अब मंत्री जी से मिल के आते हैं। अरे भाई समझ गया हूँ मैं, अरे आपकी बिटिया हमारी बिटिया है, आपका काम हो गया है समझो। ठीक है, रखता हूँ। हाँ भाई राघव, बोल बेटा। हाँ सर, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा छोटा भाई दीपक गांव से आ रहा है, तो यही है वो। जी नमस्ते। नमस्कार। अरे हाथ क्या जोड़ रहा है, पैर छू मंत्री जी के, इनसे ऊपर कोई नहीं है हमारे लिए। जी अरे बस बस, ये तो यूं ही हमें चढ़ाता रहता है। बोलो क्या सेवा की जाए तुम्हारी। बस सर, इसकी नौकरी लग जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा, गांव और माँ से दूर मेहनत करने आया, और इसे आपसे अच्छा मालिक कहाँ मिल सकता है, इसलिए मैं सीधा आपके पास ले आया। अरे तू सही जगह ले आया इसको, तेरा काम हो गया समझ। वैसे क्या काम कर लेते हो बेटा? जी कभी नौकरी तो नहीं की है, लेकिन आता सब है, आप जो बोलोगे वही कर लूंगा। ये तो और भी बढ़िया बात है, फिर तो सारे ही काम करवाएंगे तुमसे। गाड़ी चला लेते हो? जी चला लेता हूँ, और अच्छी चला लेता हूँ, आप जब बोलो तब आ जाऊंगा, बस अगर 2-3 घंटे अगर पढ़ाई के लिए भी मिल जाए तो और बेहतर होगा। अच्छा, नौकरी के साथ पढ़ाई भी करोगे, ये तो अच्छी बात है, पर पढ़ाई कर ही लेना, वरना हमारी तरह अंगूठा छाप रह जाओगे और फिर कल को हमारे खिलाफ भी चुनाव लड़ोगे। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, आपकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। ठीक है नौजवान, कल से 9 बजे आ जाना, नीचे प्रियंका मिलेगी, वो तुम्हें सारा काम समझा देगी। धन्यवाद सर। सर ये मेरा दोस्त है, अगर इसके लिए भी कुछ हो जाए तो। बेटा क्या नाम है तेरा? कालू। बेटा तेरा रंग नहीं, तेरा नाम पूछ रहा हूँ। जी वो भी कालू। ओहो कालू, तुझे क्या नौकरी दूँ, तू तो नजर बट्टू का काम कर सकता है, फिलहाल उसकी ज़रूरत है नहीं। तो एक काम कर, कुछ दिन गुड़गांव घूम, देखते हैं तेरे लिए कुछ। ठीक है मालिक। अरे चलो चलो, काफ़ी समय ले लिया तुमने सर का, तो सर हम फिर चलते हैं। तू हमारे साथ ही चल रहा है? हाँ, अब मेरा यहाँ काम खत्म, सर की कोई प्राइवेट मीटिंग है, तो मैं तुम्हें प्रियंका मैडम से मिला देता हूँ। ठीक है। चिंता मत कर कालू, तेरे भी नौकरी लग जाएगी एक दिन। ये लोग कौन है भाई, कैसे गुंडागर्दी सी कर रहे हैं? ये शहर का बहुत बड़ा गुंडा है, आया होगा मंत्री जी के पास कोई सिफारिश लगवाने। तू छोड़ चल। प्रियंका जी, ये मेरा छोटा भाई दीपक, सर ने वो कहा था ना। हाँ हाँ, मैसेज आ गया था सर का, ड्राइवर की नौकरी पर रखा है ना इसे, गाड़ी वाड़ी चला लोगे, आता है ड्राइव करना? जी चला लूंगा। इसमें शर्माने की क्या बात है? नहीं नहीं, शर्मा नहीं रहा, वो खुशी हो रही है अंदर से। ओके, आज आप खुश हो लो, कल सुबह तक नॉर्मल हो जाना। और हाँ, यहाँ सुबह 9 बजे शार्प आना होता है, और अगर 5 मिनट भी लेट हो ना तो हाफ डे लगा दूंगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कपड़े साफ पहन कर आना, और गुटखा बीड़ी सिगरेट कोई भी शौक हो तो घर जाके पूरे करना। नहीं नहीं मैडम, हमारे ऐसे कोई शौक नहीं है, हमें तो जरूरत है इसलिए नौकरी करनी पड़ रही है, हम तो यहाँ से जाके पढ़ाई भी करेंगे, हमेशा थोड़ी ना ड्राइवर बने रहना है, आपकी तरह चकाचक ऑफिस में बैठ के काम भी तो करना है। हाँ मैडम, हम दोनों तो बहुत ही शरीफ बच्चे हैं। हाँ समझ गई, बाकी कल सुबह टाइम से आ जाना, और बाकी का ब्रीफ मैं कल सुबह ही दूंगी। जी मैडम। जी मैडम। तुम क्या जी मैडम कर रहे हो? ओ हेलो, इसको साथ मत लेकर आ जाना, और तुम्हारा घर नहीं है ये। ठीक है मैडम, जैसे आप बोलो। राघव जी, अब आप इन्हें ले जाइए। ठीक है? ठीक है प्रियंका जी, थैंक यू। और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगवार से सनसनी मच गई, बदमाशों ने राहुल सोलंकी नाम के एक शख्स को 13 गोलियां मारी है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। गिने चुने अच्छे लोग हैं, और उनकी भी ऐसी हत्या हो रही है दिन दिहाड़े। बहुत क्राइम बढ़ गया शहर में। अरे इसमें तो मैंने कैश रखा था, वो कहाँ गया? नेहा, दीपक, अरे कहाँ मर गए सारे के सारे? क्या हुआ भाई?
मैंने इसमें 5,000 रुपए रखे थे, तुम में से किसी ने लिए क्या? भाई मैंने तो नहीं लिए। अरे वो तो इस कालू ने लिए ना। ये क्या बोल रही है भाभी आप, मैं क्यों लूंगा पैसे? मेरे पास पैसों की कमी है क्या? चलो कमी है अभी तो, पर मुझे जरूरत ही क्या है पैसों की? वैसे भी यहाँ सब कुछ फ्री तो मिल रहा है। क्या यार भाभी, हम आपके घर में रह रहे हैं तो आप ऐसे कुछ भी इल्जाम लगाओगे? ये बेचारा मेरा इतना प्यारा और मासूम दोस्त है, ऐसी नीच हरकत करने के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकता। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, कसम से इसी ने लिए पैसे। बस भाभी, अगर आपको हमारे यहाँ रहने से कोई तकलीफ है तो हमें बता दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ऐसे बेइज्जत मत करिए, मेरा दोस्त 5,000 क्या 5,00,000 रुपए के लिए भी मेरे साथ ऐसे धोखाधड़ी नहीं कर सकता। एक मिनट भैया, मैं इनके सर की कसम खा के कहती हूँ, इसी ने लिए पैसे। मैं बाथरूम साफ करने गई थी, मैंने देखा इसने ड्रॉर खोला, पर्स निकाला, उसमें से पैसे लिए। मुझे लगा आपने बोला होगा, वरना मैं तभी टोक देती इसको। धत तेरे की, भाभी जी आपने मुझे सच में ही देख लिया। मुझे लगा नहीं देखा होगा, मेरी शक्ल देख के मुझ पर शक कर रहे होंगे, इस वजह से मैं अपनी बात से मुकर गया। सिट यार, भाभी जी आप तो बहुत ही चंट निकली। ये लो पैसे पूरे हैं, खर्च करने तक का मौका नहीं मिला। हाय मेरी किस्मत, आज का तो दिन ही खराब है। इन कुछ दिनों में ही गुड़गांव अपना सा लगने लगा था, नौकरी भी लग गई थी और कुछ नए दोस्त भी बन गए थे। लगा था अब जिंदगी सही पटरी पे है, बस आगे बढ़ते जाना है। लेकिन आज तक किसी ने सिर्फ सुबह देखी है, सीधा आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी, तू थोड़े से पैसे मांगता वो तुझे वैसे ही दे देते। तू भी ना पागल ही है कालू। इतना बड़ा गधा है ना ये, इसके चक्कर में मैंने भैया को ये तक बोल दिया कि भैया अगर 5,00,000 रुपए भी होते ना तो भी ये चोरी नहीं करता, और इसने 5,000 रुपए पे मेरी बेइज्जती करवा दी। पागल। देखो भाई, अपनी जिंदगी का सिंपल सा फंडा है कि जिंदगी में रोमांच बना रहना चाहिए, और पैसा मांगने में इतना रोमांच कहाँ जो चोरी करने में है। कालू आज तो तेरी बातों से पक्का चोर लग रहा है। और तेरा पिछले मैच का क्या रहा? अरे हो जाएगा उसका भी, तू छोड़। अरे रुकियो, वो भाभी जी है ना? हाँ यार, तो लड़कों के साथ क्या कर रही है? आइयो। अरे भाभी जी, हमारे भाई साहब के प्यार में कोई कमी रहेगी क्या जो आप यहाँ पे अय्याशी कर रहे हो? जुबान संभाल के बात कर, दोस्त है ये मेरे, साथ में काम करते हैं। लड़कों से दोस्ती भी क्या रखनी है आपको? सुन बे हीरो, आज के बाद अगर भाभी जी के आसपास भी नजर आया तो जान से खत्म कर दूंगा, समझा? चल बे। अरे यार, तेरे साथ रहना तो बड़ा रिस्की है, तेरी तो डायरेक्ट बदमाशों से बातचीत है। तुम जानती हो इन लोगों को? अरे नहीं यार, बेफालतू में गुंडागर्दी करते रहते हैं। इनका जो बड़ा भाई है अपने बाप की जागीर समझता है, मुझे सारा मूड खराब कर दिया। चलो यार चलते हैं हम लोग यहाँ से। अरे प्रियंका जी, आपको याद है मंत्री जी ने जो अनाथ बच्चों के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया था ना, उसका अप्रूवल आ गया। ओह कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। इसकी सूचना ना मैं मंत्री जी को दे के आता हूँ। ठीक है ठीक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया से 3,000-4,000 गरीब लोग कम हो जाए, मेरी कुर्सी बचनी चाहिए बस। अरे लोग शांत बैठे, भड़काओ उनको, दंगे नहीं हो रहे, करवाओ। इसके लिए तो मैं जो भी हथियार चाहिए, कुछ सामान चाहिए बोलो मुझे, लेकिन मेरा काम पूरा होना चाहिए। आपका काम आधा कब छोड़ा है मंत्री जी? आपकी एक फोन कॉल पे उस समाज सेवी को सरेआम गोलियां मरवा दी थी, भूल गए? हाँ, लेकिन नाम तो छल गया था मेरा। अरे मुंह बंद करवाने के लिए उसकी फैमिली को पैसे खिलाने पड़े थे मुझे। तानी कैसे काम करके आते हो तुम लोग, अरे हर जगह लोचा ही लोचा। इस बार अपने बंदों से बोलो सफाई से काम करें। इसके लिए तो मैं नए बंदे अगर भर्ती करने अपने गैंग में करो। मंत्री जी आप तो मुंह बहुत बनाते हो यार, अपने इन लोंडों पर विश्वास रखो, 2 दिन के अंदर अंदर पूरे गुड़गांव में भूकाल मचा होगा, देखते जाओ। और हाँ, आपका दूर दूर तक कोई नाम नहीं आएगा, हमेशा की तरह। अरे हाँ, लेकिन अरे राघव तू कब आया? वहां क्यों खड़ा, इधर आना। और ये क्या लेके आया ये? सर वो मर्डर आपने करवाया था। तूने छुट्टी नहीं ली है बहुत दिन से, तो एक काम कर, छुट्टी ले और अपनी बीवी के साथ घूम के आ। सर
आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। लोग मरते रहते हैं, अब जो आएगा वो जाएगा भी, इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब मेरी माँ भी तो चल बसी थी पिछले साल। मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज तक मैं आपकी पूजा करता रहा। पूजा राम की भी होती है और रावण की भी। तूने राम की जगह रावण को चुन लिया। देख, तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं थी और तेरी भक्ति से रावण खुश हुआ। तो बोल क्या चाहिए, बोल कितना पैसा चाहिए तुझे? मैं पैसे के लिए आप जैसे लोगों की तरह गिर नहीं सकता। ये सब मैं पुलिस स्टेशन जाके बता दूंगा, आप लोग ऐसे बच नहीं सकते। लागत बच्चे वाली बातें मत कर, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। बीवी को ले जा, घुमा फिरा। अब एक बात, आप तेरी बीवी अभी से सफेद साड़ी में अच्छी लगेगी क्या? इसका जवाब ना मैं पुलिस को दूंगा। अरे पकड़ो पकड़ो इसको। दीपक नया कौन सा? दीपक क्या हुआ भाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो छोड़, तेरी भाभी कहाँ है? भाभी तो बाजार गई है, मैंने कालू को भी साथ ही भेज दिया कि कुछ सामान लाना होगा तो उठवा लाएगा। पर हुआ क्या? जो मिनिस्टर है ना, अरे पीए साहब बहुत दौड़ाए आपने, और देखो तोड़ा कर लाए भी तो कहाँ, आशिक के पास। मुझे तो लगता है इन दोनों भाइयों की मौत एक साथ लिखी है। चल बे, भाई बुला रहे तुझे। कौन भाई, किसका भाई, ये कहीं नहीं जाएगा। तू ज्यादा चौधरी बन रहा है क्या? तू कहता तुझे भी ले चले। तुझे बोल दिया ना एक बार, मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। यही ठोक देना साले को, तू भी क्या सास बहू के सीरियल की तरह खींच रहा है। देखो तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम चाहो तो मुझे मार दो, पर मेरे भाई को जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरे भाई को जाने दो, प्लीज प्लीज मेरे भाई को जाने दो। कुछ नहीं करा भाई, ये अपने आप मर गया भाई, मैंने गोली नहीं चलाई। होश में आ दीपक, होश में आ मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ, संभाल अपने आप को। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे पुलिस के हवाले कर दे, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं मेरे भाई नहीं, हमें इस सिचुएशन से एक बंदा निकाल सकता है, तू चल मेरे साथ चल, वही हमें बचा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगला एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, ये वाला थोड़ा सा लेट हो गया था, अगला नहीं होगा। और अगर आप लोग भी दीपक की तरह सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो अड्डा 24/7 ऐप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से जाके फटाफट डाउनलोड कर लो। सरकारी नौकरी अब दूर नहीं है, अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर।